50 लाख की बाइक आती है भाई, होंडा गोल्ड विंग। और किसी बाइक के साथ फोटो सेशन नहीं हो रहा है, सिर्फ इसके साथ क्यों हो रहा है भाई? और इसमें जिगजैग करने में क्या मजा आता है, जो इसका मतलब नेकेड बाइक में देखते हो ना क्या काफी। ये बैठने की सीटिंग देख रहे हो भाई, कितनी मस्त बना रखी है, दो साइड एक अपसाइड सीटिंग भी है। व्हाट्स अप पीपल, वेलकम टू माय चैनल डीएल लाइटिंग ब्लॉग। तो फाइनली आज मैंने एक और सनराइड शुरू कर दी है, और इस बार सनराइड पे मैं अपने कुछ स्कूल फ्रेंड को लेके आया हूँ, जो काफी मतलब हम लोग 10वीं 11वीं से साथ थे। तो मैंने कहा चलो भाई आज कुछ सनराइड पे चलना है, काफी टाइम से बोल रहा था चलने के लिए, बट वही उनको टाइम नहीं मिला, तो आज फाइनली उनको टाइम मिला है, मिला देता हूँ उस बंदे से। ठीक है, ये मेरा दोस्त और भाई वी फ्लाई राइड, इसका भी एक चैनल है वैसे, वी फ्लाई राइड के नाम से, छोटा सा चैनल नहीं है बड़ा सा चैनल है। उसके बाद ये हमारे मोनू भाई है। और मोनू भाई कैसे हो? ये वैसे बता दूं, ये मेरे ट्यूशन फ्रेंड है, स्कूल फ्रेंड तो अभी मेरे बाद में बने थे, पहले ट्यूशन फ्रेंड बने थे, उसके बाद ये मेरे स्कूल फ्रेंड है ये रहा। और भाई इसको क्या हाल है? बढ़िया भाई, तू बता। ये मेरे साथ पहली बार राइड पे आया है, इसको इन्हें आज तक पहले से कभी राइड नहीं किया, कैसा लगा भाई राइड पे आके? इसको ठंड बहुत लग रही है, इसको मैंने बोला था कि भाई कपड़े पहन के आइए, गुड़गांव में ठंड बहुत होती है, ये कपड़े पहन के ही नहीं आया, इसको यहाँ के ठंड लग रही है, धूप मिली है तब जाके इसको थोड़ी राहत मिली है। अब मैं दिखाता हूँ आपको मैं कौन से कैफे आया हूँ, मैं हूँ बर्नआउट कैफे, उसका मैं लोगो दिखाता हूँ, ये रहा बर्नआउट कैफे का। और यहाँ पे भाई जो सुपर बाइक है ना, मतलब तो माना का भंडारा हुआ पड़ा है यहाँ पे, मैं सोचा था कि इतनी ज़्यादा बाइक नहीं आ गई, बट यहाँ भंडारा हुआ पड़ा है, देख सकते हो, यहीं से दिख रहा होगा आपको, देखो बैकग्राउंड से दिखा। दिखाने से पहले मैं आपको बाहर का दिखाता हूँ, क्योंकि बाहर भी काफ़ी सारी बाइकें खड़ी है, अंदर इतनी जगह नहीं होती ना स्पेस, लोगों ने बाहर खड़ी कर रखी है। तो पहले मैं सबसे दिखाता हूँ सुजुकी हायाबुसा, इंडियाज मोस्ट डिमांडिंग एंड मोस्ट लविड सुपर बाइक जो होती है ना, वो होती है हमारी सुजुकी हायाबुसा। देन उसके बाद आप देखते हो रॉयल इनफील्ड, देन द कावासाकी 1000 एंड द जिक्सर S1000F। एंड इस बाइक कौन सी है भाई, इसका तो नाम ही नहीं पता, जो भी है लेकिन खतरनाक बाइक है, CB1000 है, और ये रही Z900, और ये वो यामा की FZ जो सुपर बाइक में आती है। उसके बाद ये होंडा की CBR, दोनों होंडा CBR यहाँ पे खड़ी है। देन रॉयल की रॉयल इनफील्ड GT Continental ट्विंस 650, ये होंडा गोल्ड विंग, देख सकते हो होंडा गोल्ड विंग। उसके बाद बेनेली 600i, देन सुजुकी हायाबुसा, देन कावासाकी Z900, देन रॉयल इनफील्ड की इंटरस्पेक्टर, देन ड्यूक एंड Z900 स्ट्रीट भाई, स्ट्रीट जो फाइटर है ना, स्ट्रीट फाइटर का मतलब जानते हो ना, ऐसे चीरती हुई निकलती है ना बाइक, और इसमें जिगजैग करने में क्या मजा ही आता है, जो इसका मतलब नेकेड बाइक में देखते हो ना क्या काफ़ी मासिव और प्यारी लुक है, वो है कावासाकी Z900। और इसमें अगर SC SOX लगाओ ना, तब तो भाई स्ट्रीट फाइटर के साथ स्ट्रीट आतंक मचा देती है। उसके बाद ये रिको रॉयल फिंड, देन NS 200, उसके बाद ये की पल्सर NS 116, देन सुजुकी जिक्सर, उसके बाद एक तो यामा सिल्वर R15M, देन V4 वर्जन आपकी हो गई, वो आपकी खड़ी है सबसे कोने में 200 NS 200। उसके बाद ये कावासाकी, देन होंडा CTR मेरी ZX6 आप, और ये 650F बर्नआउट कैफे देख सकते हो। ये देखो कुछ सुपर बाइक हो रही है, जैसे देख सकते हो जिक्सर 1000F एंड होंडा गोल्ड विंग, ये बाइक जो होंडा गोल्ड विंग है ना भाई, ये बहुत कम देखने को मिलती है रोड पे, 50 लाख की बाइक आती है भाई ये होंडा गोल्ड विंग। इसमें इतने फीचर है ना भाई, बंदा बाइक चलाते वक्त ना कितने सारे फीचर इसमें यूज कर सकता है ना, काफी फीचर्स होते हैं इसमें, एक कार से ज्यादा फीचर होते हैं इस बाइक में। जिक्सर S1000F देख रहे हो इस बाइक को, हाँ इस बाइक में खासियत है, इस बाइक में रिवर्स गियर भी है, मतलब आप इसको पीछे भी कर सकते हैं, ये देखिए, क्योंकि इस बाइक को हिलाना बहुत मुश्किल है ना भाई। ये देख लो होल्डा गोल्ड विंग के साथ फोटो सेशन होते हुए, और किसी बाइक के साथ फोटो सेशन नहीं हो रहा है, सिर्फ इसके साथ क्यों हो रहा है भाई? अभी
Every time you come back, it's like falling down these lies again. This feeling that I have deep down inside. Gaming हो रही है, देखो gaming भी हो रही है. ठीक है, इन्होंने जिन्होंने ये प्रमोशन के लिए दो बाइकें लगा रखी है, बर्नआउट कैफे ने लुक कर दी. कावासाकी की रेसिंग बनवा दी. बर्नआउट कैफे लोग काफ़ी राइडर आए हैं यार, बहुत. पहले आया था ना मैं, पिछले जब संडे राइड पे आया था तो इतने नहीं थे, इस बार ज़्यादा आए ना, काफ़ी रेस. ऐसा लग रहा है जैसे कोई शादी पार्टी ने पूरे उसी तरह सजा रखा है. नहीं बट ये सब चार्जेबल है, फ्री में नहीं है. कि तुम सोचो फ्री में और खा ले, चार्जेबल होते हैं सब. ये बैठने की सीटिंग देख रहे हो भाई, कितनी मस्त बना रखी है. दो साइड, एक अपसाइड सीटिंग भी है और ये एक देखो एक सीटिंग यहाँ पर भी है. मैंने सारा कवर अप कर लिया, मतलब जितनी बाइक आई थी सब दिखा दी मेरे स्टूडियो ने. मतलब कौन कौन सी बाइक थी यहाँ पे यार, मानोगे नहीं कितनी बेहतरीन बेहतरीन बाइक आई पड़ी है ना, कसम से यार. देख के दिल खुश हो गया, मतलब ये जो राइड करी हमने देख के ऐसा लगा हाँ भाई चलो भाई अपना राइड करने का जो भी अपना मोटिव होता है वो पूरा हुआ. अब वैसे भी जाने का हमारा टाइम हो गया, 8 बज चुके हैं, हमको घर तक कम से कम 9 बजे तक पहुँचना है. एक घंटा लगेगा ज़्यादा से ज़्यादा, हमको अभी भी कितना लगेगा, एक घंटा लगेगा ना ज़्यादा से ज़्यादा, एक घंटा लगेगा. उसके बाद हमको जॉब पे भी जाना है भाई, यही होता है हमारा, संडे को कभी छुट्टी मिलती नहीं है यार, जॉब पे जाना है. तो होप सो आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी. ओके टाटा बाय बाय.